नमस्कार, आप देख रहे हैं नो लवर। फाइनली टाइगर श्रॉफ गणपत मूवी के साथ कमबैक करने वाले हैं, जिसका बजट 200 करोड़ है। ट्रेलर ने दर्शकों का मन मोह लिया है। मूवी सुपर साइन फिक्शन वाली होने वाली है, जिसे डिस्टोपिया एक्शन मूवी बताया जा रहा है। डिस्टोपिया शब्द का मतलब ऐसी जगह से होता है जहाँ लोग भ्रष्टाचार और जुर्म से परेशान हों। इसका मतलब टाइगर मूवी में ऐसे लोगों का मसीहा बनेंगे। इस मिशन में साथ देंगे अमिताभ बच्चन और कृति सैनन। ट्रेलर में दिखाया गया है कि मूवी की शुरुआत 2070 एडी से होती है, जो काफी एडवांस दुनिया है जहां लोग परेशान हैं। बैकग्राउंड से एक आवाज आती है जो कहते हैं, यह लड़ाई तब तक मत लड़ना जब तक हमारा योद्धा ना आ जाए। जब शुरू में ट्रेलर की शुरुआत होती है, तब ऐसा लगता है कि कहीं हॉलीवुड वालों ने टाइगर श्रॉफ को साइन तो नहीं कर लिया है, क्योंकि बॉलीवुड वालों से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। कृति सैनन पहली बार एक्शन मूवी करती हुई नजर आएंगी। टाइगर श्रॉफ और कृति सैनन दोबारा एक साथ नजर आएंगे। मूवी को काफी जोश और अच्छे विजन के साथ बनाया गया है, जो कि बॉलीवुड को VFX की दुनिया में आगे ले जाएगी। यह मूवी 3 पार्ट में बनकर तैयार होगी। मेकर्स गणपत मूवी को गणपत पार्ट 1 के नाम से रिलीज करने वाले थे, लेकिन फिर इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम गणपत ए हीरो इज बोर्न नाम कर दिया गया। बॉलीवुड को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। वैसे भी बॉलीवुड VFX का बहुत कम इस्तेमाल करती है, जबकि हॉलीवुड वाले VFX के बिना आगे बढ़ते ही नहीं है। मूवी में टेक्नोलॉजी, साइंस और अध्यात्म का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2020 में हुई थी। यह एक लंबे प्री प्रोडक्शन से गुजरी है। शूटिंग 2021 में शुरू हुई थी और फरवरी 2023 में खत्म हो गई। मूवी 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी। मूवी को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी में रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर के बारे में आपके क्या विचार हैं? वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।